हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा था। मैं तैयार हो रही थी, आने में कुछ तो वक्त लगता है ना। हाँ, आओ बैठो, आओ प्लीज, ये आ जाए। वैसे बहुत हसीन लग रही। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा बताओ, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? दरअसल एक खुशखबरी थी तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। वो आखिरकार मेरी नौकरी लगी गई है। सच? हाँ, ऐसी कोई हाईफाई नौकरी तो है नहीं, फैक्ट्री में जॉब मिली है और जाहिर सी बात है पैकेज इतना कुछ खास है नहीं। तो मैं सोच रहा था ना आयमा के अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कारोबार ही करना पड़ेगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। और जाहिर सी बात है कारोबार करने के लिए रकम की जरूरत है जो इस वक्त मेरे पास है नहीं। तो बस मेरे जहन में एक हल्का सा ख्याल चल रहा था, अगर तुम्हारे पास कोई रकम है तो कुछ दिन के लिए मुझे दे सकती हो। मेरे पास रकम? तुम्हें क्या लगता है नबील, मैं कोई शेख की बेटी हूँ या कोई तेल के कुएं है मेरे? अरे नहीं नहीं, लेकिन तुम ही ने तो कहा था ना कि माशाल्लाह तुम्हारे दोनों भाई की बड़ी अच्छी नौकरी है, सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें देते हैं। तो मैंने तो बस यूं ही सोच लिया कि शायद तुमने कुछ पैसे जमा कर लिए होंगे। बड़ी नजर है तुम्हारी मेरे भाइयों की कमाई पे। वैसे अगर कुछ थोड़ा बहुत जमा किया भी है तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी नबील? क्यों, क्या हम एक नहीं? नहीं, हम बिल्कुल एक नहीं है, सिर्फ कागजी रिश्ता है अब तक हमारे दरमियान। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुमसे निकाह के इस बंधन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे अजीज रखता हूं। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो फिर ये नौकरी ही सही, लेकिन मंजिल पहुंचने तक देर जरूर लग जाएगी। अब खाना मंगा ले। हाँ। आयो ना, मैं अपने बेटे के लिए आपके फेवरेट बिस्किट्स, ये ले। थैंक यू पापा। पानी। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ? आज तुमने अपने उस नामनिहाद बीवी से पैसों की बात करनी थी ना? हाँ, बात की तो थी, लेकिन लेकिन क्या, मना कर दिया होगा ना उसने? अरे भाई, आज पहली बार जिक्र किया था, अभी तो गेम शुरू हुई, और तुम देखना आगे मैं उसके साथ करता क्या हूँ।